हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी की बहुत सारी वैकेंसी हैं वो निकलने वाली हैं, यानी पटवारी की 3,800 के लगभग वैकेंसी है वो निकलने वाली हैं। वैकेंसी की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो अगस्त लास्ट या सितंबर के अंदर विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। और एक खुशखबरी और है आपके लिए कि जो कैंडिडेट राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कि पहले जो वैकेंसी 8,500 के लगभग वैकेंसी निकलने वाली थी वो अब बढ़ा के 11,500 वैकेंसी वो कर दी गई है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया ये अभी तैयारी करने का मौका है। लगभग आपको जब तक एग्ज़ाम होंगी तब तक आपको 3 या 4 महीने अभी आपके पास हैं, तो तब तक आप अच्छे से तैयारी कर लें। साथ ही एक न्यूज़ और देना चाहता हूँ दोस्तों आपको मैं, कि आप हमारे चैनल मेथड क्लासेस पे राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस की जो क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान पटवारी के जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें जो एक टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर राजस्थान पटवारी के लिए वो है मैथमेटिक्स का। मैथ की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट 1 या 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद में जो आपका जनरल साइंस है उसकी क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ मैं जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो सारी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। जैसे जीके के जितने भी टॉपिक हैं, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, दैनिक विज्ञान है, राजस्थान की राजनीति है, प्रशासनिक व्यवस्था है और बेसिक कंप्यूटर है, तो इनके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो भी मैं साथ के साथ बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट जो भी अपडेट रहेगी वीडियो से रिलेटेड, राजस्थान पटवारी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जैसे कि राजस्थान पटवारी के जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, आज जो मैंने टॉपिक बनाया, टॉपिक पे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिस टॉपिक पे किए हैं वो है कला एवं संस्कृति, यानी राजस्थान का जो आर्ट एवं कल्चर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रास या जनजाति में नहीं है? तो वो कौन सी प्रथा है जो ग्रास या जनजाति में नहीं है? वो है डोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील व मीणा के पश्चात तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रासिया होगा इसका करेक्ट आंसर, ग्रासिया। तो पहले पे सबसे बड़ी जो जनजाति है, जो फर्स्ट पे है मीणा, सेकंड पे है भील और तीसरे पे है ग्रासिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है, मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी हुई है? जो मीणा जनजाति है वो 2 वर्गों में बटी हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? वो है गड़िया लुहार जनजाति है, वो मकान बना के नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति के जो लोग हैं जो घर बना के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कू। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कू बोलते हैं उनको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो किस जिले में है? वह है बारा जिले में, सबसे ज़्यादा जो सहरिया जनजाति है वह बारा जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेले में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं? वह है सहरिया जनजाति के लोग मेले में अपना जीवन साथी है वो चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जाट, गुजर, माली, कलमी आदि जातियाँ किस हिंदू जाति के अंतर्गत आती हैं? ये सारी जो जातियाँ हैं इनको अपन हिंदू जाति के अंतर्गत क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कास्तकार। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कास्तकार, यानी ये सारी जो जातियाँ हैं वो हिंदू जाति के जो कास्तकार इनको बोलते हैं अपन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर के संस्थापक राव बिक्का को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति है जिसने सहायता की थी? वह जाट जाति ने सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिला को दहाई रखा जाता था? तो किस जाति की महिलाओं को? गुजर जाति की महिलाओं को दहाई रखा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शहाबुद्दीन गोरी के समय से जो बागवानी करने के कारण माली कहलाए उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस जाति या संप्रदाय के लोग सबसे प्राचीन है तथा उसके जन्मदाता है वो शंकराचार्य को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका करेक्ट आंसर होगा जोगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार समुदाय स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? जो कुम्हार समुदाय है वो खुद को किसकी संतान मानते हैं? वर्मा जी की संतान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुरबिल मारू जोगेड़े और मोयला कौन से समुदाय में आते हैं? ये आते हैं कुम्हार समुदाय में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? तो किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम प्रतिशत जनजातियां हैं? तो सबसे कम जो जनजातियां हैं वो किस जिले में? बीकानेर में। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, जो अभी पहले हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भरतपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान की जनजातियों की संख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान की जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो है सी ऑप्शन, यानी छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया था? जो मीणा पुराण है वो किस मुनि द्वारा लिखा गया था? मुनि मगर सागर द्वारा। मीणा पुराण है वो मुनि मगर सागर द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भील जाति के पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर है खोईतू। कमर पे जो वस्त्र लपेटते हैं भील जाति के पुरुष उसको बोलते हैं खोईतू। भील जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? जो भील जाति का मुख्य खाद्यान्न वो है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का मुख्य त्यौहार क्या है? जो ग्रासिया जनजाति है उसका मुख्य त्यौहार है होली, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? सांसी जो जनजाति है उसकी कितनी उपजातियां हैं? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है दो, सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो सांसी जो जनजाति है जो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, भील जाति स्वयं को किसकी संतान मानती है? भील जाति है वो स्वयं को महादेव अथवा मुंडा की संतान मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? डामोर जनजाति है उसका मुख्य खाद्यान्न है मक्का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीणा जनजाति कितनी उपजनजातियों में बटी हुई है? जो मीणा जनजाति है वो कितनी उपजातियों में बटी हुई है? वह 8 उपजातियों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भील लोगों में निम्न में से कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है? तो कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है भील लोगों में? वह एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एकाकी परिवार प्रथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भील लोगों में एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भील जाति में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलन में? वह ऑप्शन नंबर डी बहिर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से समुदाय के लोग अच्छे तीरंदाज होते हैं? भील जाति के लोग हैं वो अच्छे तीरंदाज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भील जाति के छोटे गाँव को क्या कहते हैं? जो भील जाति के जो छोटे गाँव हैं उनको बोलते हैं फला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है? तो सीताबाड़ी, ये जो कि हाड़ोती अंचल में है, उसको सहरिया जाति का कुंभ का मेला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो कौन सी जनजाति वो राजस्थान में नहीं पाई जाती? भील का आपने नाम सुना है, भील पाई जाती है, सहरिया पाई जाती है, बेगा है वो जनजाति वो राजस्थान में नहीं पाई जाती, मीणा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है, जो सहरिया जनजाति है उसकी बस्ती को क्या बोलते हैं? सहराना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति राजस्थान
में कौन राजस्थान में कौन सा स्थान है, यानी मीणा जनजाति का राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यानी प्रथम पहला स्थान है, दूसरे पे भील और तीसरे पे ग्रासिया सॉरी सहरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पे जो वस्त्र पहनती है वो क्या कहलाते हैं, यानी कमर पे जो कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पे जो वस्त्र पहनती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खुसनी, उसको बोलते हैं खुसनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो भील का कौन सा स्थान है, पहले पे मीणा और भील दूसरे पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में पाए जाने वाले सांसी जनजाति के दो उपभाग में एक को बीजा कहते हैं और दूसरी को क्या कहते हैं, दूसरी को कहते हैं माला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नृत्य की कथक शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो नृत्य की कथक शैली का जन्म है वो राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हुआ है भानुजी ए, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वीररस और भरमरी, ये जयपुर घराने की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कुमारी स्वाति खत्री किस से संबंधित है, जो कुमारी स्वाति है वो किस से संबंधित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है कथक नृत्य से, कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कथक केंद्र जयपुर की स्थापना कब की गई थी, जो कथक केंद्र की स्थापना वो 1978 और 89 में जयपुर के अंदर की गई थी कथक केंद्र जयपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो कथकली किस राज्य का है वो है केरल का। अगला क्वेश्चन है जयपुर शैली के पद्मश्री से सम्मानित कलाकार कौन है, तो दुर्गा लाल को जयपुर शैली के लिए पद्मश्री सम्मान वो मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है, जो कथक नृत्य है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है मंगल मुखी नृत्य, मंगल मुखी नृत्य भी बोलते हैं कथक नृत्य को। अगला क्वेश्चन है गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का है, गिद्दड़ नृत्य वो शेखावटी क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता, जो डांडिया नृत्य वो कहाँ नहीं किया जाता, भरतपुर में नहीं किया जाता है डांडिया नृत्य, करेक्ट आंसर होगा भरतपुर सी। बीकानेर में डांडिया नृत्य किया जाता है, शेखावटी में किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कहाँ नहीं किया जाता, क्वेश्चन में ये पूछा है कहाँ नहीं, तो भरतपुर इसका करेक्ट आंसर होगा।